केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जद्दोजहद चल रही है। लेकिन अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी असमंजस का माहौल दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। इस बारे में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी ने नामों का पैनल तैयार कर केंद्र को भेज दिया है, केंद्र इस पर विचार कर रहा है और उसके बाद मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। नरेश बंसल ने कहा कि बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ते तक नामांकन चलेगा और उससे पहले पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है कि पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है, अभी एक सप्ताह है, तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी, कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है, निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी।